नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के हालिया समझौतों पर पाकिस्तान ने सख्त एतराज जताया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत को फाइटर जेट इंजन, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी देने से पहले अमेरिका को उससे पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इशारों ही इशारों में अमेरिका को एक तरह से धमकी भी दे डाली। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने यही रवैया जारी रखा तो फिर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते 4 दिन के अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई बेहद अहम डिफेंस फैक्ट हुए थे। इसको लेकर पाकिस्तान सरकार और फौज काफी परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तान ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सीक्रेट डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट किया है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुरुवार को किया। उसने इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया है कि भारत को जो हथियार, सर्विलांस ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो पाकिस्तान के लिए सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। शरीफ सरकार ने अमेरिका से ये भी कहा कि अगर भारत को ये मिलिट्री हार्डवेयर देने ही थे तो पाकिस्तान को इस बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। भारत की बढ़ती ताकत से साउथ एशिया का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। रिपोर्ट में ये जानकारी पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें साफ नजर आता है कि पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका को धमकी दी है या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। इसके मुताबिक अमेरिका को बता दिया गया है कि अगर अमेरिका इस तरह पाकिस्तान को भरोसे के लिए बगैर भारत को डिफेंस सेक्टर में मदद करता है तो पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई के ऑप्शंस तलाशने होंगे। खास बात यह है कि रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार किन जवाबी विकल्पों की बात कर रही है। हालांकि इसका सीधा जवाब चीन या रूस से डिफेंस रिलेशंस बढ़ाने की तरफ है। इसकी वजह यह है कि यही दोनों देश अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी है। रूस से पाकिस्तान को सस्ता क्रूड ऑयल मिलना भी शुरू हो चुका है।